सभी दीदी भैया को प्रणाम। मेरी नाम है आशा देवी। हम नर्मदा जीविका के सचिव छिए, सहयोग दूध उत्पादक सहयोग समिति के सचिव छिए और 4 साल से हमें दूध तौलै छिए। किसान के समझाबै छिए, हिसाब भी करै छिए, डायरी मेंटेन करै छिए। दीदी हमे दिनचर्या बतबै छिए, हमे छिए ने 5:30 बजे उठ जाइ छिए, तखन झाड़ू पोछा करै छिए, बर्तन धोए छिए। तऽ दीदी लोग 7:30 बजे आ जाइ छलै ने, तऽ दूध कलेक्शन करै छिए, सैंपल लै छिए, फैट करै छिए, ओकर डायरी पर लिखै छिए, पैसा बनबै छिए। तब ओकर बाद 10 दिन के बाद छलै ने हिसाब दै छिए 10-10 दिन पर। आशा दीदी, हाँ आ रहल छी। दूध लेके लिए। नमस्ते दीदी, दूध लेकर आ गए, आइए सैंपल। नमस्ते दीदी, आ गए। नमस्ते बिमला दीदी, हम सिंपल देख के गेल रही और हमरा फैट देखे के छै, चलिए बताइए। चलिए अंदर में देखेबे। दीदी फैट टेस्टिंग करला से की होय छै और कथिल करै छियै बताइए। दीदी फैट करल जाय छै यह कारण कि सबके दूध सब रंग होय छलै, ओय कारण पैसा वह अनुसार मिलै छलै, ओय से फैट करै छियै सबके। दीदी फैट मौसम के अनुसार केना कम बेस होय छै जानवर के, कोन समय बताइए। देखिए दीदी, गर्मी के मौसम में किया फैट कम बेस होय छै, गर्मी होय छै, मवेशी ज्यादा पानी पिए छै, बारिश के मौसम छै ओहो में कम बेस होइत अछि। और ठंडी के मौसम में जे ठंडा के परिवर्तन अगर एक रंग रहै छै तऽ ओहि में ठीक फैट ऐसे नै फूटै छै। दीदी अपने पहले करै रहिए दूसरा मशीन से, अब करै छी दूसरा मशीन से, दोनों में की फर्क छै? पहले दीदी करे रहिए गड़बर मशीन से, वो में टाइम बहुत लगे रहे, कारण आप करे छिए मिल्को टेस्टर मशीन से, वो में तुरंत हो जाए छे। दीदी ये बताइए, कोई दीदी के फैट कम हो छे, कोई दीदी के ज्यादा हो छे, ये की कारण से हो छे यो हमरा जानकारी दिए। और दीदी बतबै छिए, जे दीदी लरपरवाही करे छले गाय माल के बर्तन धोए में, ओ दीदी के फैट कम होइ छै। जे दीदी के 3-0 से फैट कम होइ छलै ओ दीदी के पैसा नै मिलै छै। अगर जे दीदी के 7-9 SNF होइ छै ओहो दीदी के पैसा सिर्फ दोनों चीज में एके चीज के मिलतै, कोनो के फैट अगर ज्यादा होइतै तो फैट के मिलतै, SNF अगर नै होइतै तो ओकर आधा कीमत मिलतै। दीदी जैसे कि जे वर्षा के महीना में कादो कीचड़ में रह जाए छै, दीदी छोड़ दै छै बरसे में कादुए में, बर्तन धोए छै औनाबै नै छै, ओकरा पोछै नै छै, वएह में दुह के चलि आबै छै, वएह दीदी के दूध गड़बड़ होइ छै। ठीक छै, ई बताइए दीदी भैंस और गाय के दूध में फैट में की अंतर छै हो बताइए। भैंस के दूध मोटा रहै छै, गाय के दूध पतला रहै छै, ओहिसे भैंस के फैट ज्यादा होइ छै, गाय के फैट कम होइ छै पतला के कारण। दीदी देखिए तो 26 नंबर सीरियल में कितना फैट उठै छै। हाँ दीदी बता रहे हैं कितना फैट होते। दीदी देखिए फैट करै छियै, दूध आब केमिकल में मिलबै छियै। केमिकल से निकाल के फैट करबै, एकरा 3 बार दाबबै तब वहाँ फैट उड़ जेतै। 1, 2, 3 दीदी देखिए 5-3 फैट हुआ, लाइए डायरी चला। हमारा दूध होले 1 लीटर 300,
हाँ फैट बनले 5.3 ओकर हमरा हिसाब दिए कितना होले। हाँ चार्ट छे टंगल देख लिए 28.45 रुपया छे। कैलकुलेटर चलबे छिए ओइमे जे कीमत निकलते 1.3 36.98 रुपया। ठीक छे। दीदी हिसाब समझ नहीं लेलिए, हिसाब से संतुष्ट छिए ना? हाँ समझ लेलिए, संतुष्ट छिए। दीदी जानै छिए ई समिति जे मिलल छलै जीविका के तरफ से मिलल छलै, इमे सब जलानी के कितना समय के बचत होइ छलै, नहीं तो जेंट्स लोग ओझराएल रहै रहे। अभी तो जलानिए आबै छलै दूध दै छलै और फैट टेस्टिंग सुनै छलै, मर्दाना सभी सब चलि जाइ छै बाहरो कमबै लए, तऽ जलानी सब अपना से गैया पोसै छै दुहै छै और आमदनी भी बढ़लै गाय से।